चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू टू वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? आपका अपना दोस्त आर एस चौरसिया एक नए वीडियो के साथ। और हमारे सामने एक ये डीटीएच का रिसीवर है जिसका यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है। यहाँ से एक बार ऑफ करके जला कर दिखाते हैं, देखिए ऑफ हो गया। और ये लेकिन ना तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, इसका स्क्रीन पे जो डिस्प्ले नंबर दिखाने वाला होता है वहाँ पे है, और ना ही यहाँ पे टीवी में आ रहा है। तो इस तरह का फॉल्ट अगर आपके साथ हो तो इसको कैसे ठीक करें, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। देखिए कितना गंदा है ये, सबसे पहले इसे हम साफ कर लेंगे। ठीक है, उसको खोल लेते हैं यहां से, इसके बाद इसको साफ करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें साफ करने के लिए चाहिए ये पेट्रोल या थिनर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। थिनर सबके पास नहीं उपलब्ध हो सकता है, लेकिन पेट्रोल सभी के पास उपलब्ध होता ही है। तो आप पेट्रोल से इसे साफ करें और हम भी पेट्रोल से ही साफ करेंगे। पेट्रोल भी इसमें थोड़ा ही बचा है लेकिन साफ करने के लिए पर्याप्त है। इसको दोनों साइड साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। थिनर अगर आपके पास हो तो और भी अच्छा रहेगा, थिनर थोड़ा ज्यादा बेहतर काम करता है ये सफाई के लिए। पेट्रोल या थिनर जिससे भी आप साफ करें इसमें इतना डालें कि इसका कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। आपका अगर कार्ड खराब हो गया हो तो एक बार आप इस तरह से करके देख लें, इसके बाद ही आप उसको फेंकें। अगर नहीं कामयाब होता है तो फेंकना तो है ही, लेकिन एक बार ये ट्रिक आप जरूर आजमाएं। अब इसमें सप्लाई देने से पहले इसको हम एक बार अच्छी तरह से सुखा लेंगे। अगर हो सके तो आप धूप में सुखा लें, हवा में सुखा लें तो अच्छा रहेगा। और सुखाने के बाद ही इसमें सप्लाई देना है। चलिए हम इसे पंखा के हवा में सुखा लेंगे। और ये सूख चुका है और देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल नए जैसा। तो इस तरह से आपको एक बार साफ कर लेना है पहले। इसके बाद इसमें सप्लाई देना है। चलिए देखते हैं क्या होता है,
क्या होता है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन आपके सामने ये वीडियो बना क्यों रहे हैं, तो इसलिए कि हम वीडियो तो नहीं बनाए थे पहले, लेकिन इस तरह से ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इस ट्रिक की सहायता से हम कई कार्ड को जो निकाल कर कई महीनों तक फेंका हुआ था बिल्कुल कचरा में, उसको हमने ठीक किया है, इसलिए आपके सामने ये वीडियो हम लेकर आए हैं। और चलिए अब देखते हैं इसको लगाकर। देखिए इसको हम लगाने तो जा रहे थे लेकिन जब इस पे हमने फूंक मारा हवा, देखिए अंदर से ये सब जो आईसी है इसके अंदर से पेट्रोल बाहर निकल रहा था। देखिए यहाँ पे निकल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना और अच्छी तरह से सुखाना है। ये हमने पंखे में सुखाया था लेकिन अच्छी तरह से सूखा नहीं है ये, तो चलिए कुछ देर के लिए इसे धूप में रख देते हैं। तो चलिए अब इसको लगाकर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने लगा दिया है, अब देखते हैं अब इसमें सप्लाई देकर। तो यहां तो लाइट आता ही था, लेकिन अब देख सकते हैं यहां भी आ चुका है स्क्रीन पे, और ये टीवी पे भी आ चुका है। तो देख सकते हैं आप ये फर्स्ट क्लास चल भी रहा है, और साउंड इसका देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास साउंड भी आ रहा है, सिग्नल क्वालिटी फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं दिख रहा है हमें। फर्स्ट क्लास देख सकते हैं आगे फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को मिशन 100 फर्स्ट क्लास चल रहा है ये। तो इस तरह से आप एक बार इस कार्ड को फेंकने से पहले आप साफ कर लें, और कई बार क्या होता है कुछ कार्बन कहीं पे आ जाता है जिसके कारण से ये डेट हो जाता है, लेकिन कार्बन को साफ करने के लिए थिनर या पेट्रोल इसमें बहुत ही बेजोड़ काम करता है, और इसके वजह से ये ठीक हो जाता है, और ये आपके सामने लाइव ठीक हो भी गया है। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।